हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेल एक्सपर्ट चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्टिविटी रजिस्टर डॉट एक्सएमएल एंड लॉगिन डॉट एक्सएमएल को क्रिएट किए थे। ओके, तो अभी हम इस वीडियो में रजिस्टर डॉट जावा को क्रिएट करने वाले हैं, मीन्स इसका बैकएंड को क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो इसका बैकएंड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको आना है रजिस्टर डॉट जावा फाइल में एंड ऐप कॉम्पेक्टिविटी के नीचे आपको एंटर कर देना है। इसके बाद आपको एक एक चीज़ डिफाइन करना होगा, जैसे कि एडिट टेक्स्ट। मैं आपको समझा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे चार एडिट टेक्स्ट है, तो चारों भी एडिट टेक्स्ट को आपको डिफाइन करना होगा। एक बटन को आपको डिफाइन करना होगा, एक टेक्स्ट व्यू को डिफाइन करना होगा एंड एक प्रोग्रेस बार को। ओके, इन सभी चीज़ों को आपको एक एक डिफाइन करना होगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एक एक चीज़ें। तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा एडिट टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ एडिट टेक्स्ट। इसका आपको नेम दे देना है, पहले तो फुल नेम रहेगा, तो एम फुल नेम। ये होने के बाद आपको ईमेल यूज करना है, तो ईमेल हम यूज करेंगे एंड बाद में पासवर्ड, एम पासवर्ड। ओके, एंड लास्ट फोन नंबर। तो एक एक चीज हम एंटर करवा रहे हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने चार एडिट टेक्स्ट यूज किए थे, एक फुल नेम, एक ईमेल, एक पासवर्ड एंड फोन नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमने ईमेल में स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, तो इसको भी रिजॉल्व कर दिए। तो हमने चार एडिट टेक्स्ट को कम्प्लीटली डिफाइन कर दिए। तो अभी हम एक बटन का यूज़ करेंगे, तो बटन यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ बटन एंड इसका हम नेम दे देंगे एम रजिस्टर बटन। ये होने के बाद आपको एक टेक्स्ट व्यू का यूज़ करना होगा, टेक्स्ट व्यू, इसका नेम हम दे देंगे एम लॉगिन बटन। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा टेक्स्ट व्यू की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यही टेक्स्ट व्यू है। अगर कोई यूजर लॉगिन हियर पे क्लिक करता है तो डायरेक्ट चले जाएगा लॉगिन डॉट जावा में, इसलिए हम एम लॉगिन बटन पे एंटर कर रहे हैं। ओके, ये होने के बाद आपको एक प्रोग्रेस बार इम्प्लीमेंट करना होगा, जैसे कि हमने एक्सएमएल फाइल में इम्प्लीमेंट कर दी है प्रोग्रेस बार एंड इसका हम नेम दे देंगे प्रोग्रेस बार। ओके, एंड हमें एक स्ट्रिंग यूजर आईडी की नीड होगी, तो इसलिए मैं पहले से डिफाइन कर देता हूँ स्ट्रिंग यूजर आईडी। ओके, एंड मैं टैगलाइन डिफाइन कर देता हूँ पब्लिक स्टैटिक फाइनल एंड डेटा टाइप स्ट्रिंग एंड ये रहेगा टैग में। ओके, तो कैपिटल टी ए जी आपको टाइप करना है बस, टैग इज इक्वल टू टैग। ओके, एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। तो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है टैग का, तो हमें एक एक चीज़ को डिफाइन करना होगा। ये जो चार चीज़ें हैं तो इसको हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं किसको डिफाइन करूँगा, एडिट टेक्स्ट को, एम फुल नेम को। तो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा एम फुल नेम इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आई डी आर डॉट आई डी डॉट, इसमें आपको आई डी डिफाइन करनी होगी। तो दो मिनट में चेक कर लेता हूँ फुल नेम की आई डी थी फुल नेम। ओके, तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा फुल नेम एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज करना होगा। ये तो हो गया एम फुल नेम का। अभी हमें ई मेल पासवर्ड एंड फोन नंबर के लिए भी क्रिएट करना है, तो मैं बस कंट्रोल डी कर देता हूँ। तो चारों के लिए भी हमें क्रिएट करना होगा, तो पहले तो एम ईमेल में आपको टाइप करना है, तो यहाँ पे हमें कैपिटल एम यूज करना है, ठीक है, एम ईमेल। ये होने के बाद आपको एम पासवर्ड का भी यूज करना होगा, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एम पासवर्ड एंड एम फोन नंबर। ओके, अभी ईमेल की हमें जीमेल आईडी चेक करनी होगी, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ ईमेल, ये होने के बाद आपको यूज करना होगा पासवर्ड का, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ पासवर्ड एंड पासवर्ड का होने के बाद आपको देना होगा फोन नंबर, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ फोन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने चारों भी चीज़ को डिफाइन कर दिया। ये होने के बाद अभी आपको बटन को भी डिफाइन करना होगा,
तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ एम रजिस्टर बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, इसमें रजिस्टर बटन की आईडी डिफाइन करनी होगी। तो इसकी आईडी हमने दी थी रजिस्टर बटन के नेम से, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ रजिस्टर बटन एंड इसको क्लोज करना होगा सेमी कॉलम से। अभी एम लॉगिन बटन, तो इसको बस मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे एम लॉगिन बटन एंड इसकी हम आईडी चेक कर लेते हैं टेक्स्ट व्यू की, तो क्रिएट टेक्स्ट है। ओके, तो मैं दे देता हूँ क्रिएट टेक्स्ट। ये होने के बाद आपको प्रोग्रेस बार चेक करना होगा, तो मैं टाइप कर देता हूँ प्रोग्रेस बार इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट प्रोग्रेस बार। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्रेस बार में मैंने इसकी आईडी डिफाइन दी थी प्रोग्रेस बार। तो अभी हमारा कम्प्लीटली जो डिक्लेरेशन का वर्क था वो कम्प्लीट हो चुका है। अभी हमें एक सेट ऑन क्लिक लिस्नर यूज़ करना होगा, जैसे कोई लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा तो चले जाएगा लॉगिन डॉट एग्जामिन में, सॉरी लॉगिन डॉट जावा में। तो इसलिए मैं सेट ऑन क्लिक लिस्नर यूज़ कर लेता हूँ, तो एंटर करेंगे एंड हम प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे एम लॉगिन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, ये जो आपको फोर्थ में दिखाई दे रहा है उसको यूज़ करना है, यहाँ पे न्यू प्रोवाइड करना है एंड ये खुद ब खुद मेथड आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ऑन क्लिक लिस्नर की मेथड आ चुके हैं। इसमें आपको इंटेंट को पास करना होगा, तो इंटेंट को पास करना काफ़ी इजी होता है इंटेंट, ठीक है। एंड इंटेंट का नेम आपको प्रोवाइड करना है इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, न्यू इंटेंट। इसमें आपको एक्टिविटी पास करनी होगी जिस एक्टिविटी में हो, मीन्स रजिस्टर डॉट दिस, एंड किस एक्टिविटी में हमें जाना है तो लॉगिन में। ओके, तो इसलिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ लॉगिन डॉट एग्जामिन, सॉरी लॉगिन डॉट क्लास एंड सेमी कॉलम से आपको क्लोज कर देना। इसके बाद आपको स्टार्ट एक्टिविटी पास करनी होगी जिसमें आपको इस इंटेंट का नेम पास करना होगा। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, इंटेंट का यूज़ किया एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए, जिससे अगर कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो लॉगिन में चला जाएगा। ओके, तो इतना तो हमारा वर्क हो चुका है। अभी हमें एम रजिस्टर बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर यूज़ करना होगा, मीन्स अगर कोई रजिस्टर पे क्लिक करता है तो वो एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी होगी। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे एम रजिस्टर बटन। ये होने के बाद हमें यहाँ पे भी सेट ऑन क्लिक लिस्नर यूज़ करना होगा, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू एंड खुद ब खुद यहाँ पे मेथड आ जाएगी, एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ कोड एंटर करना होगा, जैसे कि ईमेल, फुल नेम, फ़ोन नंबर सभी के लिए। तो मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पे कोई यूज़र आता है एंड रजिस्टर पे क्लिक कर देगा। ओके, डायरेक्ट रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो हमारी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होनी चाहिए, उसको बोलना चाहिए हमने प्लीज़ फिल द फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड फ़ोन नंबर। तो इसका कोड हम क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो इसका कोड क्रिएट करने के लिए हमें इफ की कंडीशन यूज़ करनी होगी, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ If, बट if से यूज करने से पहले हमें एक एक यूज करना पड़ेगा। तो हमें पहले स्ट्रिंग, जो भी डेटा टाइप होता है, एक एक चीज को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे हमारा यहाँ पे यूज करेंगे हम फाइनल स्ट्रिंग एंड ईमेल। तो हमने फाइनल क्यों किया है ईमेल को, क्योंकि ईमेल कभी चेंज होती नहीं है। ओके, एंड फुल नेम भी हमारा चेंज नहीं होता है एंड फ़ोन नंबर भी, बस हम फाइनल किस में नहीं लगाएंगे, पासवर्ड में नहीं लगाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पासवर्ड हमारा चेंज होते रहता है। ओके, तो स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल टू जो हमने एम ईमेल ऊपर ईमेल यूज़ किए थे उसी को यूज़ करना आपको एम ईमेल। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो एम ईमेल है इसी को यूज़ करना है। तो एक काम कर लेते हैं, मैं सभी को स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है, मैं सभी को यहाँ पे कैपिटल कर दिए, इसको हम स्मॉल स्मॉल कर लेंगे एंड फर्स्ट लेटर में कैपिटल कर देता हूँ एम ईमेल, एम पासवर्ड, एम फोन नंबर, यस। इसको आपको सेम करना है एम ईमेल, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड एम पासवर्ड को भी सेम वैसे ही कर लेता हूँ।
एंड पासवर्ड। ये होने के बाद आपको स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल टू एम ईमेल का यूज करना होगा, एम ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम आपको यूज करना होगा एंड सेमी कॉलम को आपको क्लोज कर देना। तो अभी मैं कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कर देता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे ईमेल नहीं, अभी हमें यूज करना होगा पासवर्ड। ओके, पासवर्ड के बाद हमें यहाँ पे यूज करना होगा फुल नेम एंड यहाँ पे यूज करना होगा हमें फोन नंबर एंड ये जो फाइनल इसको रिमूव करना होगा क्योंकि जो पासवर्ड होता है वो चेंज होते जाता है। ओके, एंड ये जो ईमेल है इसकी जगह हमें यूज करना होगा एम पासवर्ड, यहाँ पे यूज करना होगा एम नेम, जो हमने एम फुल नेम यूज किए थे वही आपको नेम यूज करना है एम फुल नेम एंड यहाँ पे यूज करना होगा फोन नंबर एम फोन नंबर। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैंने चारों भी चीज को डिफाइन कर दिया। अभी हमें इफ एंड एल्स की कंडीशन यूज करना है, तो यहाँ पे हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी है। अगर हम नेम एंटर करते हैं एंड फोन नंबर एंटर करते तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा डॉट टू स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग एंड इसको क्लोज करना होता है। ओके, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सेम एम फोन नंबर के लिए भी आपको करना होगा डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग एंड ट्रिम को हमें यूज नहीं करना होता एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज करना होगा। ओके, तो अभी हमारा ये वर्क हो चुका है। अभी मैं इफ कंडीशन यूज कर देता हूँ, इफ टेक्स यूटिल्स ठीक है डॉट इज एम्प्टी, अगर हमारा जो ईमेल रहेगा वो एम्प्टी रहता है तो हमें कंडीशन प्रोवाइड करनी होगी। तो इसमें मैं कंडीशन क्या प्रोवाइड करूंगा, एम ईमेल डॉट सेट एरर ईमेल इज रिक्वायर। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दे दिया इफ की कंडीशन एंड यहाँ पे पास कर दिया ईमेल इज रिक्वायर्ड एंड रिटर्न में आपको टाइप करना है नॉर्मल रिटर्न। ओके, ये होने के बाद आपको अगेन इफ की कंडीशन यूज करनी है एंड इसमें भी आपको यूज करना होगा टेक्स्ट यूटिल्स डॉट इज एम्प्टी, इसमें आपको प्रोवाइड करना होगा पासवर्ड एंड इस कंडीशन में क्या यूज करना है आपको एम पासवर्ड डॉट सेट एरर। तो एक काम कर लेता हूँ मैं, इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, इसको तो पहले रिमूव कर देता हूँ एंड इसको मैं कॉपी करूंगा कंट्रोल सी से एंड दो इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी कंट्रोल वी। तो यहाँ से हम यूज करेंगे पासवर्ड को ईमेल का वर्क होने के बाद एंड यहाँ से हम यूज करेंगे पासवर्ड को ही। ओके, क्योंकि पासवर्ड डॉट लेंथ को भी यूज करना होता है। एक काम करेंगे, इसको हम बाद में वर्क करेंगे, पहले पासवर्ड का कर लेते। ओके, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड ये होने के बाद अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक डिफरेंट यूज करना होगा। मीन्स देखो, अगर ईमेल नहीं रहता है तो हमें ईमेल इज रिक्वायर्ड एंड पासवर्ड नहीं रहता है तो पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, बट सपोर्ट जो पासवर्ड होता है वो हमें 6 डिजिट के ऊपर चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पासवर्ड डॉट लेंथ का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ पासवर्ड डॉट लेंथ। ओके, तो आपको बस एंटर करना है पासवर्ड डॉट लेंथ लेस देन 6, इसमें आपको टाइप करना है एम पासवर्ड डॉट सेट एरर पासवर्ड मस्ट बी, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 कैरेक्टर कैरेक्टर्स। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पासवर्ड को एंटर कर दिया। ये होने के बाद आपको एल्स कंडीशन यूज करनी पड़ेगी मीन्स प्रोग्रेस में। अगर ये सपोज सभी चीजें हो चुकी है एंड रजिस्टर बटन पे कोई क्लिक कर देता है तो जो हमारी प्रोग्रेस बार रहेगी उसकी विजिबिलिटी क्या रहेगी, विजिबल हो जाएगी।
डॉट सेट विजिबिलिटी व्यू डॉट विजिबल, व्यू डॉट विजिबल ओके। तो अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है इसका रजिस्टर डॉट जावा का। अभी हमें फायरबेस का यूज करना होगा इसमें ओके। तो फायरबेस का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं अपने डिपेंडेंसी पेस्ट कर लेता हूँ। तो डिपेंडेंसी को पेस्ट करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन ऑन करना है, तो मैं जल्दी से इंटरनेट को कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैंने इंटरनेट को कनेक्ट कर दिया है। अभी आपको टूल्स पे क्लिक करना होगा, फायरबेस पे क्लिक करना होगा। फायरबेस क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे फायरबेस के। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोडिंग शो हो रहा है, लोडिंग असिस्टेंट कंटेंट। यहाँ से आपको तीन डिपेंडेंसी को ऐड करना होगा, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि कौन सी डिपेंडेंसी हमें ऐड करना है। एक फायरबेस स्टोरेज की हमें यूज़ करना है, एक स्टोर की यूज़ करना है, एंड एक ऑथेंटिकेशन की यूज़ करना है ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी कम्प्लीटली लोड हो चुका है। अभी आपको क्लाउड स्टोरेज पे क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड विथ क्लाउड स्टोरेज, एंड ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड द क्लाउड स्टोरेज, इसको आपको सिलेक्ट करना है एंड एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक कर दिया है तो यहाँ पे एक ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो चुका है। मीन्स थोड़ी देर में हमारे बिल्ड डॉट ग्रेडल में ये जो डिपेंडेंसी हमने यहाँ पे एक्सेप्ट किए वो इसमें आ जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी कम्प्लीटली हमारा डिपेंडेंसी पेस्ट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है। तो अभी हम फायर स्टोर पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे बैक करना है, एंड यहाँ पे भी जहाँ पे भी फायर स्टोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसको आपको सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लाउड फायर स्टोर है, गेट स्टार्टेड विथ क्लाउड स्टोर ठीक है, एंड एट द क्लाउड फायर स्टोर आपको एक्सेप्ट चेंजेस करना है। जैसे आप एक्सेप्ट चेंजेस करोगे तो ये डिपेंडेंसी ये बिल्ड डॉट ग्रेडल में अगेन इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो चुका है। तो अगेन हमें ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करना होगा। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी पेस्ट हो चुकी है। तो अगेन मैं फायर बेस पे क्लिक कर देता हूँ बैक करके, एंड यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन है उसको आपको क्लिक करना है, ऑथेंटिकेशन यूजिंग गूगल। एंड ये जो सेकंड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड द फायर बेस, इस पर आपको क्लिक करना है, एंड इसको भी आपको ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के लिए आपको एक्सेप्ट चेंजेस करना होगा। तो सेम जैसे हम एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो अगेन हमें वेट करना होगा ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी पेस्ट हो चुकी है। तो हमने तीन डिपेंडेंसी को ऐड किया, एक ऑथेंटिकेशन, एक रियल टाइम डेटाबेस, एंड एक फायर स्टोर। तो अभी हमारा कम्प्लीटली फायरबेस की जो भी डिपेंडेंसी का वर्क होता है वो हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना होगा, रजिस्टर डॉट जावा में आना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। तो डिक्लेयर करने के लिए आपको यूज़र आईडी के नीचे आ जाना है, एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है फायरबेस ऑथ। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैनुअली फायरबेस ऑथ ठीक है। ये होने के बाद इसकी नेम भी डिफाइन करना होगा, तो मैं एफ ऑथ दे देता हूँ इसका नेम, एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। अभी आपको फायरबेस स्टोर को भी यूज़ करना है, क्योंकि जो भी डेटा रहेगा वो स्टोरेज में से होगा ओके। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फायरबेस स्टोर का भी यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे भी मैनुअली टाइप करूँगा फायरबेस स्टोर, एंड इसका भी आपको नेम दे देना है एप स्टोर। तो आप देख सकते हो मैंने सेमी कॉलम से भी इसको क्लोज कर दिया। ये होने के बाद अभी आपको क्या करना है, सबसे नीचे आ जाना है एंड इसको डिक्लेयर कर देना है। यहाँ पे जैसे हमने बटन को नेम दिए थे, आपको दिखा देता हूँ, एडिट टेक्स्ट बटन को हमने नेम दिए थे, सेम हमने फायरबेस को भी दे दिए। जैसे हमने इसको डिक्लेयर किए थे सेम यहाँ पे फायरबेस को भी डिक्लेयर करना होगा। तो इसको डिक्लेयर करने के लिए आपको प्रोग्रेस बार के नीचे आ जाना है, एंड आपको यहाँ पे टाइप करना है एफ ऑथ इज इक्वल टू फायरबेस ऑथ, आपको कैपिटल एफ यूज करना है, फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस, एंड इसको सेमी कॉलम से क्लोज कर देना है। सेम आपको फायरबेस स्टोर के साथ भी करना है, तो इसका नेम है एप स्टोर इज इक्वल टू फायरबेस स्टोर डॉट गेट इंस्टेंस, इसको भी सेमी कॉलम से क्लोज कर देना है। ये होने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एप स्टोर के नीचे, एंड इफ की कंडीशन हम यूज करेंगे, इफ फायरबेस ऑथ
हम ऑथेंटिकेशन को यूज कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे पास करेंगे इफ ऑथ डॉट गेट करंट यूजर नॉट इक्वल टू, आपको यूज करना है नॉट इज इक्वल टू नल। तो हमें कंडीशन प्रोवाइड करनी होगी इफ में, तो हम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे स्टार्ट एक्टिविटी, यहाँ पे इंटेंट का यूज करेंगे। ओके, तो हम चले जाएंगे मेन एक्टिविटी डॉट क्लास में, स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट। आप इंटेंट किसी भी टाइप से लिख सकते हो, जैसे इंटेंट का लिखने का फॉर्मेट ये भी होता है, एंड सेकेंड फॉर्मेट में हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, न्यू इंटेंट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट, आप जिस फाइल में उस फाइल का नेम, आप गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट को भी प्रोवाइड कर सकते हो, एंड जिस एक्टिविटी में आपको जाना है उस एक्टिविटी का नेम। तो रजिस्टर कंप्लीट होने के बाद किस में जाना पड़ेगा हमें, तो मेन एक्टिविटी डॉट क्लास में जाना होगा। ओके, तो इसको मैंने कम्प्लीटली पास कर दिया इंटेंट को। ये होने के बाद हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इंटेंट अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिया है। अगर यूजर कोई लॉग इन हो जाता है तो चला जाएगा मेन एक्टिविटी डॉट क्लास में। ये होने के बाद आपको सबसे पहले आना है कंडीशन में, एफ ऑथ के कंडीशन में। तो हम आ जाएंगे प्रोग्रेस बार के नीचे, तो ये जो प्रोग्रेस बार है इसके नीचे आते हैं, और यहाँ पे हम एक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे क्रिएट यूजर ईमेल एंड पासवर्ड के नेम से। ओके, तो एफ ऑथेंटिकेशन डॉट क्रिएट यूजर विथ ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, एंड यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा जो हम ऊपर से ईमेल आईडी एंड पासवर्ड लेंगे उसको पास करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ईमेल कॉमा पासवर्ड। आपको यहाँ पे मेथड यूज करनी पड़ेगी एड ऑन कंप्लीट लिसनर की, तो आप देख सकते हो ये जो नीचे में आपको दिखाई दे रही है ऑन कंप्लीट लिसनर, इसको आपको सिलेक्ट करना है एंड न्यू पास कर देना है, एंड मेथड खुद ब खुद आ जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेथड आ चुकी है। ये होने के बाद आपको अगेन यूज करना होगा ऐप ऑथेंटिकेशन में, बट ये एरर रिजोल्व पहले करना पड़ेगा क्योंकि एरर शो हो रहा है। तो एरर रिजोल्व करने के लिए बस आपको सेमी कॉलम पास कर देना है। तो यहाँ पे मैं कोड एंटर करूंगा ऑन कंप्लीट में, अगर हमारा टास्क सक्सेसफुल होता है तो कंडीशन हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पे इफ की कंडीशन, इफ टास्क इज सक्सेसफुल डॉट इज सक्सेसफुल, तो हमें कंडीशन प्रोवाइड करना होगा, तो ब्रैकेट में प्रोवाइड कर देता हूँ। इसमें क्या करेंगे हम, यूजर एंटर कर लेंगे, फायरबेस यूजर, फायरबेस यूजर, एंड इसका हम नेम दे देंगे एफ यूजर इज इक्वल टू एफ ऑथ डॉट गेट करंट यूजर, जो हमने ऊपर में मेथड यूज की थी वही हम यूज कर रहे हैं डॉट गेट करंट यूजर। एंड यहाँ पे आपको सेंड वेरिफिकेशन का भी करना होगा, तो मैं एफ यूजर डॉट सेंड ईमेल वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपको एड ऑन सक्सेस लिसनर का यूज करना है, एंड यहाँ पे आपको पास कर देना है मेथड न्यू ऑन सक्सेस लिसनर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खुद ब खुद मेथड आ चुकी है। ये होने के बाद आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एड ऑन फेलियर लिसनर, ये तो हुआ सक्सेस लिसनर। तो अभी मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ एड ऑन फेलियर लिसनर न्यू, एंड यहाँ पे आपको टाइप करना होगा ऑन फेल्योर लिसनर। तो आप देख सकते हो मैंने एक सक्सेस का कर दिया है एंड एक फेल्योर का कर दिया है, ठीक है। बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है तो आपको सेमी कॉलम लगाना होगा। तो सबसे पहले तो हमें एक एक कंडीशन प्रोवाइड करनी होगी, तो इफ डॉट इज सक्सेसफुल का भी हमारा वर्क हो चुका है, अभी आपको आना होगा ऑन सक्सेस में एंड ऑन फेल्योर में। तो ऑन सक्सेस में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, टोस्ट मैसेज शो करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे टोस्ट मैसेज शो कर देता हूँ, टोस्ट यहाँ पे शो करना पड़ेगा रजिस्टर सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। एंड फेल्यूअर में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हम टेक टोस्ट शो कर देंगे ऑन फेल्यूअर ईमेल नॉट सेंट। ओके, तो यहाँ पे हमें लॉक का यूज करना पड़ेगा, तो मैं यूज कर लेता हूँ लॉक डॉट डी, लॉक डॉट डी।
एंड इसमें हमें जो टैग हमने ऊपर में यूज़ किए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसलिए हमने सबसे पहले डिफाइन कर दिए थे टैग का, तो इस टैग का हमें यूज़ करना है। ओके, स्ट्रिंग के नेम से जो हमने क्रिएट किए थे, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैनुअली टैग कॉमा, यहाँ पे आपको पास कर देना है ऑन फेल्यूअर। आप कुछ भी मैसेज पास कर सकते हो, ऑन फेल्यूअर ईमेल नॉट सेंड। एंड यहाँ पे प्लस का आइकन देना होगा, ई डॉट गेट मैसेज। सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। तो जैसे कि देख सकते हो आप, डॉट डीबी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। ये होने के बाद अभी हम एल्स की कंडीशन यूज करेंगे। तो एल्स की कंडीशन के लिए आपको इसके नीचे आ जाना है एंड यहाँ पे आपको मैनुअली टाइप करना है एल्स। एंड इसके अंदर में हम टोस्ट का मैसेज शो कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था। ओके, तो टोस्ट में हमें एल्स के कंडीशन में एरर शो करना पड़ेगा, जो भी रहेगा एरर। तो एरर शो करने के लिए हमें यहाँ पे टाइप करना होगा एरर नॉट इक्वल टू, सॉरी हमने नॉट इक्वल टू नहीं, बस एरर, एंड जो भी एरर रहेगा उसको पास करना होगा एक्सेप्शन में। ठीक है, तो टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज, हमें मैसेज शो होना चाहिए। एंड इसके बाद आपको कॉमा पास कर देना है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस का आइकन देना था। तो अभी मैं कॉन्केनेट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन भी आ चुका है एंड यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बस इफ एंड एल्स की कंडीशन यूज़ की है। पहले तो क्रिएट यूज़र ईमेल एंड पासवर्ड की मेथड यूज़ की है। अगर सपोज टास्क सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें मैसेज शो होगा रजिस्टर सक्सेसफुल, या फिर हमें जो भी एरर रहेगा वो शो हो जाएगा। एंड एल्स कंडीशन में एक्सेप्शन हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, तो अभी इतना वर्क हो चुका है अभी हमारा, तो अगेन हमारा कोड का वर्क बाकी है थोड़ा। तो हम आ जाते हैं सबसे नीचे में एंड ये जो आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी आपको इसके नीचे आ जाना है एंड यहाँ पे आपको अगेन टोस्ट मैसेज शो कर देंगे। तो यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ टोस्ट, इसमें आपको क्रिएट करना पड़ेगा यूजर क्रिएटेड। यूजर क्रिएटेड, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मैसेज शो कर दिया। ये होने के बाद आपको यूजर आईडी का यूज करना होगा, तो मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे यूजर आईडी इज इक्वल टू एफ ऑथेंटिकेशन डॉट गेट करंट यूजर। डॉट गेट गाइड यू आई डी, ओके, एंड सेमी कॉलम से क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस का यूज करना होगा। तो डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस ये जो आपको दिखाई दे रहा है सबसे लास्ट में, इसको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस को सिलेक्ट कर देना है। एप स्टोर डॉट कलेक्शन एंड इसमें आपको मैसेज शो कर देना यूजर के नेम से डॉट डॉक्यूमेंट। तो आपको ये मेथड के बाहर आ जाना है, डॉट डॉक्यूमेंट्स एंड यूजर आईडी को हम पास कर देंगे। तो अभी इसका वर्क हो चुका डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस का, सेमी कॉलम से क्लोज करना होगा आपको एंड यहाँ पे मैप का यूज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग यूज करके मैप एरे का सिंबल देना पड़ेगा एंड स्ट्रिंग इसका यूज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग कॉमा ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा। तो टाइप कर देता हूँ मैं ऑब्जेक्ट, इसका नेम भी डिफाइन करना पड़ेगा यूजर इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, हैश मैप। ये होने के बाद आपको सेमी कॉलम से क्लोज कर देना है। यूजर डॉट पुट, इसमें आपको स्ट्रिंग में प्रोवाइड करना है नेम
तो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ एफ नेम, सेमी कॉलम पास कर देना है, एंड यहाँ पे जो नेम रहेगा ऊपर में जो यूज़ किए थे हमने फुल नेम को पास कर देना है। सेम आपको ईमेल एंड फोन नंबर के लिए भी करना है, तो यूजर डॉट पुट यहाँ पे आपको ईमेल को पास कर देना है, ईमेल कॉमा ईमेल, एंड इसको भी सेमी कॉलम से क्लोज कर देना है। आपको कंट्रोल डी यूज करना है, एंड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा फोन, एंड यहाँ पे भी मैं पास कर देता हूँ फोन को। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस का यूज करेंगे, तो मैं टाइप कर देता हूँ डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस डॉट सेट। इसमें आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा जो ऊपर में हमने यूजर लिए थे यूजर, एंड इसमें यूज करना पड़ेगा सक्सेस लिसनर का एड ऑन सक्सेस लिसनर न्यू ऑन सक्सेस लिसनर, एंड यहाँ पे हम मैसेज को भी प्रोवाइड करेंगे। सक्सेस लिसनर के बाद एक फेलोअर लिसनर का भी आएगा, तो डॉट एड ऑन फेलोअर लिसनर में यूज कर लेता हूँ जैसे हमने टॉप में यूज किए थे न्यू ऑन फेलोअर लिसनर। ओके, यहाँ पे एरर शो हो रहा है तो इसको सेमी कॉलम से क्लोज करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे अभी आपको एक मैसेज शो करना पड़ेगा ऑन सक्सेस का, तो यहाँ पे लॉग डॉट डी का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ लॉग डॉट डी, एंड आपको सिंबल देना है ऑन सक्सेस, ऑन सक्सेस यूजर प्रोफाइल इज क्रिएटेड, यूजर प्रोफाइल इज क्रिएटेड फॉर, इसमें आपको क्या करना है यूजर आईडी को पास कर देना है कॉन्केनेट करके, यूजर आईडी कैपिटल यू यूजर आईडी, ओके, एंड सेमी कॉलम्स इसको क्लोज कर देना है। बट यहाँ पे स्टिल यहाँ पे एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे टैग को पास ही नहीं किया, तो जो हमने ऊपर में टैग लिए थे उसको भी पास करना होगा, तब जाके एरर ये रिजॉल्व हो जाएगा, एंड मैसेज हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। ये होने के बाद आपको फेलोअर में आना है, एंड ऑन फेलोअर का यहाँ पे यूज करना है। तो सेम जैसे हमने ऊपर में लॉग डॉट डी का यूज किया, यहाँ पे भी आपको यूज करना पड़ेगा लॉग डॉट डी टैग, एंड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ऑन फेलोअर का, ऑन फेलोअर एंड प्लस ई डॉट टू स्ट्रिंग, एंड सेमी कॉलम से भी इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है, ऑन सक्सेस का भी कर दिया हमने एंड ऑन फेलोअर का भी वर्क कर दिया। ओके, एंड एक हमें कंडीशन यूज करनी पड़ेगी इंटेंट की, तो इसके नीचे मैं आ जाता हूँ, एंड यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट, सॉरी पहले तो आपको कॉमा पास कर देना है, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इंटेंट पास कर दिया है। ओके, तो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है रजिस्टर डॉट जावा का। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, रजिस्टर डॉट जावा में पहले इन चारों भी एडिट टेक्स्ट को डिफाइन किया था, फिर बटन टेक्स्ट भी वन प्रोग्रेस बार, ओके, एंड बाद में इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए थे हमने। ये होने के बाद हमने सेट ऑन क्लिक लिसनर यूज़ किए थे, रजिस्टर बटन, एंड चारों भी एडिट टेक्स्ट से सभी चीज ले लिए थे, एंड हमने इफ कंडीशन यूज़ की थी, अगर सपोज ब्लैंक है तो ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, अगर पासवर्ड ब्लैंक है तो पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, एंड 6 डिजिट से कम है तो पासवर्ड मस्ट बी मोर देन 6 कैरेक्टर। ओके, ये होने के बाद हमने ऑथेंटिकेशन को यूज़ किए थे, मीन्स ऑथेंटिकेशन को हमने डिक्लेयर कर दिए थे जैसे फायरबेस ऑथ एंड फायरबेस स्टोर को। ये होने के बाद हमने इसकी कंडीशन यूज़ की, अगर सपोज कम्प्लीटली वर्क करता है तो डायरेक्ट मेन एक्टिविटी में चले जाएगा। ओके, ये होने के बाद हमने ये मेथड क्रिएट किए थे जिसमें ऑन सक्सेस एंड ऑन फेल्योर को यूज़ किए। ओके, सेम हमने यहाँ पे जो भी डेटा रहेगा वो पास कर दिए थे ऑन सक्सेस ऑन एंड ऑन फेल्योर में। ठीक,
ठीक है, तो इतना हमने रजिस्टर डॉट जावा में कर लिए। तो आई होप अभी इतना आपको समझ में होगा। तो हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, उस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे लॉगिन डॉट जावा को। ओके, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।